धन्यवाद। हम तो कुछ दूसरी बात करने जा रहे थे, लेकिन पहले आप ही पर चार पंक्ति दे के तब दूसरी बात कहूंगा। देखिए इनको, लग रहे हैं संत पुजारी की तरह। देखिए इनको, लग रहे हैं संत पुजारी की तरह। क्या खुशबू है केसर की कियारी की तरह। क्या खुशबू है केसर की कियारी की तरह। उम्र भले है अटल बिहारी की तरह, मगर दिल है नारायण दत्त तिवारी की तरह। मित्रों, मैं तो कुछ और कहने जा रहा था, लेकिन मैं, मुझे जो है बीच में आपने रोक दिया, कोई बात नहीं। इसीलिए आपको उठाया हूं। मैं यहाँ की जनता से थोड़ी बात करने के बाद मैं बात ये करना चाहता हूँ कि मेरे किसी कवि ने दो पंक्तियाँ कहा है कि किस गांव नगर से आते हैं जो लोग अभी भी गाते हैं। इस विपरीत मौसम में आप यहाँ जमे हुए हैं, मुझे देख के आश्चर्य हो रहा है, तभी उनकी पंक्ति याद आ गई। मैं सोचता हूँ बात कहाँ से शुरू करूँ। आप 100 कवियों से भी बेहतर हैं, अच्छे हैं। मैं आपको यह बात शुरू करने जा रहा हूँ एक छोटी सी बात से कि एक बार दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक आइंस्टीन कई सेमिनार में बोलते बोलते जब थक गया तो उसके ड्राइवर ने कहा, सर आप बैठ जाइए, मुझे आपका भाषण याद हो गया है, अगले सेमिनार में मैं ही बोल दूंगा, क्या दिक्कत है। तो आइंस्टीन ने कहा, ठीक है तुम ही बोल दो, मैं ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता हूँ। आइंस्टीन वहां बैठ गए और ड्राइवर ने पूरा का पूरा भाषण उनका सुना दिया, खूब तालियां बजी। लेकिन एक सज्जन उठ करके कोई प्रश्न कर दिए वैज्ञानिक कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। अब वो ड्राइवर घबरा गया, लेकिन तत्काल उसने कहा, कितने बड़े वैज्ञानिक होकर इतनी बात नहीं जानते, इतना तो मेरा ड्राइवर बता देगा। वाह 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 वाह। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब ये कि हरौरा के लोग तमाम कवियों से बड़े हैं, हम तो महज एक ड्राइवर की भूमिका में खड़े हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैंने कविताएं लिखी जरूर, लेकिन ज्यादातर अपने परिवार के लिए लिखी, क्योंकि बाहर के लिए, राजनीति के लिए कविताएं लिखना मेरे बस का नहीं था। क्योंकि एक बार तीन विचारक बैठे थे, अमेरिका, रूस और भारत। अमेरिका वाले ने कहा कि मेरे यहाँ बंदर कार चलाते हैं, रूस वाले ने कहा मेरे यहाँ लंगूर जहाज चलाते हैं, भारत वाले ने कहा ये सब कौन बड़ी बात है, हमारे यहाँ गधे सरकार चलाते हैं। वाह वाह वाह। मित्रों, आइए कुछ कविता भी कर लें, बकबक काम करने का, बाकी काम तो ब्याह का नंबर आए करेंगे। एक बार मैं ज्यादातर अपनी पत्नी के विषय में कविताएं लिखता हूँ, क्योंकि आपस में सुनाता हूँ, वो सुनती है, ताली तो बजाती नहीं, गुस्साती है। वाह। एक बार मेरी पत्नी नाराज होकर बोली, सब लोग सब जगह अपनी पत्नी को ले जाते हैं, आप मुझे कहीं नहीं ले जाते। हमने कहा अभी चलो, तुरंत चलो, अभी चलो। कहाँ? वो डॉक्टरी में, वहां है कबीर चौरा अस्पताल ले गए, उसमें ब्लड चेकिंग हो रहा था, कौन से ग्रुप का ब्लड है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब मेरे और मेरी पत्नी का भी ब्लड ग्रुप बता दीजिए। दोनों का खून डॉक्टर साहब लेके आए, बोले अरे कवि जी आप तो बड़े भाग्यशाली निकले। मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या इतना भाग्यशाली आदमी तो मिलता नहीं। मैंने कहा हुआ क्या, आपका और आपकी पत्नी का ब्लड ग्रुप एक ही निकला। हमने कहा इसमें आश्चर्य क्या बात है, 30 साल से मेरा खून पी रही है। वाह, मेरा इसका खून तो एक ही था। आइए मैं एक कविता सुनाता हूँ। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि रोज पेपर में छेड़छाड़ निकल रहा है, कभी तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ हुआ? अरे वाह। तो उसने कहा होते होते बच गया। आइए इमरान साहब। मैंने कहा क्या मतलब? कि एक दाढ़ी वाला, आपको नहीं, एक दाढ़ी वाला मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बगल में रहता है, वो कहता है क्या इस कवि के चक्कर में पड़ी हो, मेरे साथ चलो, मेरे पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा, और तुम इतनी सुंदर होकर इस बेवकूफ कवि के साथ क्या पड़ी हो। लेकिन एक कवि के पत्नी का स्वाभिमान देखिए, एक भारत की नारी का स्वाभिमान देखिए। तीन पंक्तियों में मेरी पत्नी को समझाता है और एक पंक्ति में मेरी पत्नी उसको जवाब देती है। अगर जवाब सही है तो पूरा आशीर्वाद आना चाहिए। वो कहता है कभी मंच मिला कभी खाली रहा,
कभी मन चुनिला कभी खाली रहा, कवियों की ये छोटी कमाई में क्या है, क्या बात है। कभी मन चुनिला कभी खाली रहा, कवियों की ये छोटी कमाई में क्या है। तेरे बालों में मोती सजा दूंगा मैं, तू भी मानेगी कि आशनाई में क्या है। मेरी बीबी से बोला पड़ोसी मेरा, चलो भाग चले कविताई में क्या है। वह बोली कि दाढ़ी घुमाना जरा, मैं बताऊंगी दिया सलाई में क्या है। बाबा बाबा वाह वाह अंबर भाई वाह, क्या बात है भाई वाह। आप लोग वाह वाह कर रहे हैं क्योंकि मेरी पत्नी का मामला था। यही होता है, तो आपकी भी पत्नी की बात हो जाए। मैं देखिए, मैं कोई नौकरी नहीं पाया क्योंकि ऐसा सवाल है पूछ दिया गया, पूछे कि बताओ भाई रेलवे में और महिला में क्या समानता है और दोनों में क्या अंतर है। हमने कहा जो बड़ा गजब सवाल है, हमने कहा समानता और अंतर तो ये जिसको नौकरी मिलना है वही बता सकता है, और जो बताया उसको नौकरी मिल गई मुझे नहीं मिली, उसने क्या बताया ये देखे। वो पूछा कि बताओ रेलवे और महिला में क्या समानता है, क्या दोनों मेकअप करती हैं। रेलवे भी मेकअप करती है और महिला भी मेकअप करती है, क्या अंतर क्या है। अंतर यह है कि रेलवे जब लेट हो जाती है तब मेकअप करती है और महिलाएं मेकअप करते करते लेट हो जाती हैं। वाह वाह वाह, अच्छा है भाई वाह, बहुत कुछ। तो मैंने हाँ ये तो आपकी पत्नी की बात करता हूँ, देखिए किसको क्या अनुभव है। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए एक सज्जन के यहाँ गया, तो वहाँ सज्जन से मिले तो मैंने कहा मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करना चाहता हूँ। वो बोले हाँ हाँ ठीक है, आपकी बेटी कितनी पढ़ी है। तब से उनकी पत्नी आ गई, वो बोली इनसे क्या बात करते हैं, बेटा तो मेरा है। मैंने कहा आप ही बताइए शादी कैसे होगी। कह देखिए आजकल शादी तो लेन देन से होती है, यदि आप दे देंगे तो शादी हो जाएगी। मैंने कहा आप मांगिए, वो तीन पंक्तियों में मांगती हैं और एक पंक्ति में मैं देता हूँ, अदना सा कवि क्या दे सकता है। आप अनुभव करते हैं कि लड़की के पिताजी से लड़के की माता बोली, ब्याहना है बेटी तो दहेज तय कीजिए, नगदों में 3 लाख टीवी फ्रिज और कार, मानिए हमारी ये तिलक में ही दीजिए, बड़े और बारात खर्च रीति और रिवाज खर्च, तंबू और कनात खर्च को भी मान लीजिए। तो लड़की का बाप यानी मैंने हाथ जोड़ कहा, मैडम अपने लिए मुझे भी मान लीजिए।